तो लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी का है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी किसी भी मटेरियल की, रादर डाइलेक्ट्रिक की, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक स्टडी कर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कई तरीके के होते हैं और उनके अंदर पोलराइजेशन कितनी होती है वो डिपेंड करता है उनके नेचर के ऊपर। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि कईयों के नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिएक्ट करने की ज़्यादा है, वो ज़्यादा पोलराइज होते हैं, और कईयों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिएक्ट करने की एबिलिटी थोड़ी कम है, वो पोलराइज कम होते हैं, और कोई होते ही नहीं। तो जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतना ही क्या होगा उसमें, जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतना ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा। ये देखो, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ या नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतना ही एटम अंदर क्या होगा, स्ट्रेच होगा। तो पोलराइजेशन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि जितना स्ट्रेच होगा चार्ज उतना ज्यादा होगा, सिग्मा उतना ज्यादा होगा, पोलराइजेशन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ससेप्टेबिलिटी अगर हाई है किसी भी डाइलेक्ट्रिक की तो वो ज्यादा पोलराइज होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा रिएक्ट करेगा, और अगर काय कम है, ससेप्टेबिलिटी कम है, तो वो कम रिएक्ट करेगा, और अगर है ही नहीं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लो वो नहीं पोलराइज होता। क्लियर है यहाँ तक? तो ससेप्टेबिलिटी कैसे निकलेगी, ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक की, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट वैल्यू या रिड्यूस वैल्यू होती है जितनी हाई होगी उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन डेंसिटी हाई होती है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी हाई होगी तो कब, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर हाई होगा, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट में क्या लगेगा, दो कांस्टेंट लगते हैं इसमें, आप बुकलेट में ठीक कर लेना, एक एप्सिलॉन नॉट लगता है और एक काय लगता है, क्योंकि मटीरियल के लिए काय आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना भी होगा, काय का मतलब मटीरियल कैसे रिएक्ट करेगा। अब ये फॉर्मूला हमने आज किया, अभी मैंने करवाया था पिछले टॉपिक में पोलराइजेशन डेंसिटी में, क्या कि E क्या होता है, E नॉट माइनस E, और E क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कर ले, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या था, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट और इस P की वैल्यू को न्यूमिनेटर में पुट करके ये क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म आ गई। इस टर्म में E वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, कॉमन आ गया E, और यहां से E नॉट बाई E क्या था, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K, तो प्रूव हो गया डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज 1 प्लस K, जितना ज्यादा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा ससेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन भी उतनी ज्यादा होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा।